मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश और जिला अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर अजय प्रकाश मिश्र द्वारा जिला न्यायालय मंडलेश्वर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर का शुभारंभ प्रातः 10 बजे मध्य प्रदेश से माननीय कार्यपालक अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय मंडलेश्वर में सर्वप्रथम जिले के न्यायाधीशगण, कर्मचारी और उपस्थित सम्माननीय नागरिक और पैरालीगल वॉलंटियर द्वारा स्वैच्छिक 66 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र द्वारा रक्तदान के महत्व को बताया गया। रक्त का कोई विकल्प नहीं है, यह केवल रक्तदाताओं के रक्त से ही प्राप्त किया जा सकता है। रक्तदान करने से दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कान आती है। नियमित रक्तदान से उच्च रक्तचाप, हृदयघात जैसी बीमारियां कम हो जाती हैं। कसरावा से अखिल खान की रिपोर्ट। इसके अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल ऑफिसर एवं पैरालीगल वॉलंटियर्स को रक्तदान शिविर का प्रचार प्रसार किए जाने और रक्तदान शामिल होने निर्देशित किया गया। रक्तदान के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना प्रथम आवश्यकता है, जिस पर विचार करते हुए प्रचार प्रसार के लिए हमारे द्वारा इंदौर के सभी बड़े गार्डनों में रक्तदान शिविर के आयोजन की जानकारी वाले पैनल लगवाए गए, जिससे सामान्य जन को रक्तदान शिविर के संबंध में जानकारी हो सके। इसके अतिरिक्त रक्तदान में अधिक से अधिक दाताओं की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने में प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निगम से भी चर्चा कर अपील की गई है। साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से रक्तदान हेतु उपस्थित रहने के जन सामान्य से भी अपील की गई है। रक्तदान के पूर्व प्रत्येक दाता के कोरोना टेस्ट के रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई है। रक्तदान शिविर में एम्पायर हॉस्पिटल इंदौर व मुख्य चिकित्सा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।